गौरव थापर ने 6 लोगों की मौत के इल्जाम में फंसा दिया अभी को, और अभी को हो गई जेल, और जेल में जाएगी प्रज्ञा अभी से मिलने और बचाएगी अभी को, और प्रज्ञा गौरव थापर की असली सच्चाई लाएगी कोर्ट के सामने और प्रज्ञा पर आएगा बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में रिनोवेशन के कंस्ट्रक्शन की वजह से 6 लोगों की मौत के लिए पुलिस आएगी प्रज्ञा के घर अभी को गिरफ्तार करने के लिए, और बड़ा शौक लगेगा जब पुलिस वाले अभी को कहेंगे कि यू आर अंडर अरेस्ट, तब आलिया और प्रज्ञा पुलिस वाले को कहेंगे कि कौन सा इल्जाम है, तब पुलिस वाले कहेंगे कि अभी पर 6 लोगों की मौत का चार्ज है। यह सुनकर अभी प्रज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रज्ञा अभी के लिए लड़ते हुए पुलिस वालों को कहेंगे कि मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, तब पुलिस वाले कहेंगे कि रिनोवेशन के कंस्ट्रक्शन में जो आपके ऑफिस के बाजू की दीवार थी उसे तोड़ना ही नहीं था और ये कॉन्ट्रैक्टर ने भी कहा था, लेकिन आपके पति अभी ने कहा था कि ये दीवार को तोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ऑफिस में सनलाइट आनी चाहिए। यह सब कॉन्ट्रैक्टर के पुलिस वालों को गवाही देने की वजह से पुलिस वाले अभी को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जब प्रज्ञा कॉन्ट्रैक्टर को फोन करेगी और पूछेगी कि क्या दीवार तोड़ने का ऑर्डर मेरे पति ने दिया था, तब कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोलेगा और कहेगा कि हाँ आपके पति ने ही कहा था और मैंने आपके पति को कई बार कहा था कि ये दीवार तोड़ने से लोगों की जान को खतरा होगा, लेकिन उन्होंने तोड़ने के लिए ही कहा। यह सुनकर अभी को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और अभी कॉन्ट्रैक्टर को कहेगा कि यू आर ब्लडी लायर, झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, बल्कि मैंने कहा था कि बाजू की दीवार को मजबूत कर दो ताकि लोगों की जान पर खतरा ना आए। जिसके बाद वो अचानक से कॉन्ट्रैक्टर फोन काट देगा और पुलिस वाले अभी को जेल ले जाएंगे और बड़े राज का खुलासा होगा कि ये सब अभी को फंसाने की चाल और किसी ने नहीं बल्कि गौरव थापर ने चली थी, जिसने दीवार तोड़वाने के लिए गौरव थापर ने 20 साल के पैसे सिर्फ एक ही दिन में कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए सिर्फ और सिर्फ अभी को फंसाने के लिए, और इसी वजह से प्रज्ञा अपने पति अभी को कैसे भी करके जेल से बाहर निकालने के लिए प्रज्ञा एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, क्योंकि बड़े राज का खुलासा होगा कि प्रज्ञा को गौरव थापर का जैसे ही फोन आएगा वैसे ही प्रज्ञा गौरव थापर के घर चली जाएगी, जहाँ पर गौरव थापर के घर में ऑलरेडी और कोई नहीं बल्कि आलिया भी होगी, लेकिन आलिया साइड पर खड़ी होगी, और जब प्रज्ञा गौरव थापर के घर के अंदर आएगी तब गौरव आलिया को अपना सारा प्लान बता रहा होगा और आलिया को कहेगा कि अगर प्रज्ञा की सारी प्रॉपर्टी हमें हासिल करनी है तो हमें अभी को फंसाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब प्रज्ञा मेरे पास मदद के लिए आएगी तभी मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी के बेगुनाही के सबूत हैं कि उसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई ही नहीं है बल्कि उन 6 लोगों की मौत मेरी वजह से हुई है। यह सब प्रज्ञा गौरव को आलिया को कहते हुए गौरव को पता ना चले ऐसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी और यही सबूत के जरिए प्रज्ञा कोर्ट में साबित करके अभी को जेल से बाहर निकालेगी, लेकिन प्रज्ञा पर बड़ा खतरा आएगा जब प्रज्ञा गौरव थापर के सामने जाएगी और गौरव थापर को कहेगी कि तुमने जो किया है उसके लिए तैयार हो जाओ, तब गौरव थापर प्रज्ञा की बातों को समझ नहीं पाएगा और गौरव थापर प्रज्ञा को ऑफर देते हुए कहेगा कि तुम्हारी फैक्ट्री के पेपर्स और तुम्हारी कंपनी मेरे नाम पर कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हारे पति को जेल से बाहर ले आऊंगा। यह सुनकर प्रज्ञा हंसने लगेगी और कहेगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति को जेल से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही सबूत काफी है, जो ये वीडियो है, जिसे देखकर गौरव के होश उड़ जाएंगे और गौरव अपनी गन निकालेगा और प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी देगा, लेकिन प्रज्ञा गौरव के मुंह पर कह देगी कि जान से मारना है तो मार दो, लेकिन मेरे एक क्लिक करने पर तुम्हारा ये वीडियो पूरे न्यूज मीडिया में वायरल नहीं हो गया और तुम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गए तो मेरा नाम भी प्रज्ञा अभिषेक मेहरा नहीं, और प्रज्ञा हमेशा ऐसी रहनी चाहिए क्या नहीं, और यह प्रज्ञा का नया रूप आपको कैसा लग रहा है और अभी प्रज्ञा की जोड़ी आपको कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।